Dear students, today I will teach you the remaining paragraph of this book. We are not afraid to die if we can all be together. The 21st paragraph of the lesson is on memory. On January 4, after 36 hours of continuous pumping, we reached the last few centimeters of water. 4 January को 36 घंटे लगातार पंप करने के बाद पानी का लेवल मीन्स पानी का जो है स्तर है कुछ सेंटीमीटर ही रह गया. Now we have only to keep this with the water still coming in. हम लोग जो पानी अंदर आ रहा था उसको जो है निकाल रहे थे. Now we have only to keep this with the water still coming in. अब हम केवल इतना ही पानी निकालना जारी रखे जितना कि छेद से जो है होल से जहाज के अंदर आ रहा है. We could not set any sail on the main mast. हम मुख्य मस्तूल पर पाल नहीं लगा सकते थे. Pressure on the rigging could simply pull the damaged section of the hull apart. अगर हम ऐसा करते तो साज सामान पर इतना दबाव पड़ता. रिगिंग से तात्पर्य है साज सामान. इतना दबाव पड़ जाता कि वह पीछे के क्षतिग्रस्त आगे के हिस्से को आगे के जो भाग है उसके टुकड़े कर देता, टूट जाता, क्षतिग्रस्त होता. So we hoisted the star rig. इसलिए हम लोग तिकोने पाल को जो है लहराए. And headed for where I had the two islands there. और हम लोग उस तरफ बढ़े जिधर हम सोचते थे कि दोनों भी मौजूद थे. Mary found some card tea and cracker biscuits. Mary जो है वो नमकीन मांस तथा करारे बिस्कुट लाइट. एंड वी एट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days. और हमने लगभग 2 दिनों के बाद पहली बार भोजन जो है किया. नाउ द एक्सप्लेनेशन इंग्लिश. हियर द नरेटर टेल्स अस दैट ऑन 14th जनवरी वर्किंग पंपिंग हार्ड continuously near about 36 hours that the level of the water was lift some centimeter. Now we were busy in pumping so much water which was entering into our sink through the hole. And we could not sail on the main mast. If we did so, then the pressure on rigging could destroy the front part of the sail. So we hoisted the star rig and proceeded towards the island where we had thought it to be situated. At that time, Mary had brought some iron beef and cracker biscuit, which we ate at the first time after 2 days. Now there, second paragraph, but our history.
बट आवर स्पाइट वाज शॉर्ट लिव्ड. स्पाइट से तात्पर्य है रेस्ट, आराम. परंतु हमारे आराम का वक्त अधिक देर तक नहीं चल सका, हम अधिक देर तक आराम नहीं कर सके. एट 4 PM चार बजे ब्लैक क्लाउड्स बिगेन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस. काले बादल हमारे पीछे मानो इकट्ठा होना शुरू कर दिए. विद इन द आवर घंटों में ही द विंड वाज बाय 40 knots. हवा में जो है 40 समुद्री मील की गति से जो है उठ रही थी. एंड सी एयर गेटिंग हाई और समुद्र में लहरें भी तेज हो रही. द वीदर कंटिन्यू टू डिटेरियरेट थ्रू आउट नाइट. मौसम जो है पूरी रात भर लगभग खराब होता चला गया, निरंतर खराब होता रहा. एंड बाय द डन ऑन जनवरी 5 और 5 जनवरी के भोर में आवर सिचुएशन वाज अगेन डिस्परी. हमारी स्थिति जो है और ही अधिक निराशाजनक चिंताजनक हो गई. हियर इन दिस पैराग्राफ द नरेटर प्रेजेंट या द नरेटर डिस्क्राइब द सिचुएशन एंड द प्रॉब्लम्स दैट सीम टू बी हैपनिंग बिफोर हिम. ही टेल्स अस दैट ही कुड नॉट गेट सफिशिएंट टाइम फॉर रेस्ट. एंड नियर अबाउट 4 PM द ह्यूज लार्ज ब्लैक क्लाउड्स वेयर गैदरिंग बिहाइंड हिम एंड द एयर वाज ऑल्सो ब्लोइंग 40 mph मोशन एंड द सी वेज वेयर ऑल्सो हाई वेरी ह्यूज वेयर हाई वेरी हाई. थ्रू आउट द होल नाइट द वीदर ग्रीव वर्स एंड आई डन ऑन 5 January द सिचुएशन वाज रियली वेरी डिस्परेट होपलेसनेस. इट वाज फुल इट वाज अगेंस्ट ऑफ द होप इट वाज मैटर ऑफ सारो डिसअपॉइंटमेंट एंड डिजेक्शन. नवंबर 23 पैराग्राफ. इन आई यू एंड आई When I went to the to comfort the children, लेखक का कहना है कि जब हम बच्चों को सांत्वना देने उनके कैबिन में गए तो जान आठ उनका लड़का जो जान है उसने पूछा कि डैडी आर वी गोइंग टू डाई. क्या अब हम लोग इस भयानक तूफान में मरने वाले हैं, मरने जा रहे हैं, मरने वाले हैं. आई ट्राई टू अश्योर हिम. मैं उसे विश्वास दिलाने की कोशिश किया दैट वी वुड मेक इट कि निराश मत हुई हम बचने में सफल होंगे. बट डैडी ही वेंट ऑन. वो फिर अपनी बात कहता गया. वी आर नॉट अफ्रेड आर डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी सू एंड आई. जान ने कहा यदि हम सभी लोग जैसे आप हुई मम्मी हुई मदर शिव उसकी सिस्टर और जान स्वयं अगर ये सभी लोग एक साथ रहें तो जो है उनको जो है उसको मरने का कोई डर नहीं. हियर इन दिस पैराग्राफ द नरेटर टेल्स अस दैट व्हेन ही रीच कैबिन ऑफ चिल्ड्रेन टू कम्फर्ट देम हिज सन जॉन और हिम फियरलेसली विदर ऑल ऑफ देम वी आर गोइंग टू डाई. द नरेटर ट्राइड हिज बेस्ट टू एश्योर हिम दैट एट लास्ट दे विल बी सक्सेस टू सेव देयर लाइफ. बट जान कंटिन्यू
speaking, he told his father that we do not fear to death if our whole family, for example, you, mother, I and Shiv, all are together in this situation of the starving leader. Now the 25th paragraph. That evening, near, sorry, 24th paragraph. I would I could find no word with which to respond. मुझे कोई ऐसा शब्द ही नहीं मिला जिससे मैं उसकी बातों का उत्तर देता। नरेटर का कहना है कि जब शू ने हमसे इस तरह से प्रश्न किया तो हमारे पास उसके प्रश्न का जवाब देने का कोई उत्तर ही नहीं था। But I left the children's cabin. मैं बच्चों के कक्ष को, शयन कक्ष को छोड़ा। Determined to fight the sea with everything I had. और मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम जो भी हमारे पास उपकरण है उससे हम समुद्र की लहरों का सामना करें, उससे हम समुद्र की लहरों से निपटें। To protect the weakened starboard side, दाईं तरफ जो कमजोर वाला हिस्सा था, I decided to मैं इसे बांधने की कोशिश किया। With the undamaged port hull facing the oncoming waves, बाईं तरफ जिस ओर से लहरें आ रही थी उसी तरफ उसको बांधने का निश्चय जो है किया। Using an improvised sea anchor of heavy nylon rope and 22 लीटर प्लास्टिक बैरिक साफ पैराफिन, इसके लिए भारी नायलून की रस्सियां तथा 22 लीटर वाले मिट्टी के तेल के प्लास्टिक घोल का प्रयोग उसने काम चलाऊ लंगर की बनाने में किया। इस पैराग्राफ नरेटर tells us that he had no any word, he had no any satisfactory word to console his son John. So he left the cabin of children and he decided firmly to face the challenge of the stormy sea with the weapons that we are present with him at that time, that we are seen with him. Further he tells us that on the right side that was totally weakened, he decided to guide it towards the direction from where the sea wave was rising. For this purpose, he used a heavy nylon rope and 22 liter barrel so that he might be able to make the anchor sea and he might be able to reach any destination. Now the 23rd paragraph. That evening, Mary and I sat together holding hands. As the motion of the ship brought more and more water in through the broken planks, we both felt the end was very near. Narrator का कहना है कि उस दिन शाम के वक्त में या उस शाम की वेला में मैरी और मैं, उनकी पत्नी और नरेटर स्वयं एक दूसरे का हाथ पकड़ के हाथ में हाथ डाले बैठे। एंड द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक्स, और पानी की रफ्तार जो थी
जहाज के टूटे हुए हिस्सों में से जहाज के अंदर बहुत अधिक पानी जो है इकट्ठा कर लिया। वी बोथ फेल द इंड वाज वेरी नियर। हम दोनों ने महसूस किया कि हम लोगों के जीवन का अंत बिल्कुल अब करीब। नाउ लेट्स ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश। हियर इन दिस पैराग्राफ द राइटर प्रेजेंट्स वेरी डिस्परेट सिचुएशन दैट ही फेस इन द स्टार्मी वेदर इन द स्टार्मी सी। ही टेल्स अस दैट ही होल्ड द हैंड ऑफ हिज वाइफ एंड बोथ सैट टुगेदर थिंकिंग एंग्जियसली। ही नोटिस्ड दैट लार्ज नंबर लार्ज पार्ट ऑफ वाटर वाज एंटरिंग थ्रू द होल इन टू द सी हिज वाज ए सिंबल ऑफ डेंजर। That's why both had been decided that there was no any chance for them to be saved. They thought that their life was just near to it. That's why.